फिट माइंड्स, ऑल्सो नोन एज सिंघा, ऑल्सो नोन एज सौरव सिंघा राजपूत, जिनका असली नाम वैसे सौरव कुमार सिंह है, हमारे एक बहुत पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं, पावर लिफ्टर हैं और इनफैक्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर लिफ्टर में से एक है वो पूरे इंडिया में। बट क्या वो नेचुरल है या नहीं है, इसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे आज की वीडियो में। और जो भी मैं एनालिसिस करूँगा वो फैक्ट बेस्ड होगी, एविडेंस बेस्ड होगी, फैक्ट और प्रूफ के साथ ही भाई हम बात करते हैं, वीडियो करते हैं इस चैनल पे। बिना फैक्ट और प्रूफ के ना ही मैंने आज तक कोई वीडियो करी और ना ही आज करेंगे। और हालांकि कैमरे पे भाई साहब बड़े घमंड से, गर्व से अपने आप को नेचुरल बताते हैं, कहते हैं सालों साल मेरे टेस्ट करा लो, मैं नेचुरल ही निकलूंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता, मेरे को टेस्ट कर लो, सालों साल कर लो, मैं नेचुरल हूँ, नेचुरल हूँ और नेचुरल हूँ और नेचुरली ये लिफ्टें मारी है। और देखो भाई, पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों से जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। आपकी बॉडी है, आपकी चॉइस है, आप अपनी गांड बनाएं, धक्के खाएं, बट कम से कम पूरी रात अपनी गांड बनवाने के बाद, गैंग बैंग करवाने के बाद, अगले दिन अपने होने वाले दूल्हे के आगे अपने आप को वर्जन तो मत बताएं। ये हरकत सिर्फ रैंडी ऑर्टन नहीं करती, ये हरकत वो सारे बॉडी बिल्डर्स करते हैं जो अपने पिछवाड़े में हर तरह का इंजेक्शन घुसवाने के बाद, अपने मुंह में हर तरह का ओरल लेने के बाद, अगले दिन कैमरे पे अपने आप को नेचुरल बताते हैं। इसे देखिए हम कहते हैं फ्रॉड, धोखेबाजी करना अपने फॉलोअर्स के साथ। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है भाई, जो इन्फ्लुएंसर जितना बड़ा स्टेरॉयड यूजर होता है ना, उतने कॉन्फिडेंस से वो अपने आप को नेचुरल बताता है, उतने कॉन्फिडेंस से अपनी इंस्टाग्राम बायो पे वो नेटी लिखता है। ये हाल आपको याद होगा ईशान ठाकुर का भी था, जिसको मैंने एक्सपोज किया था अपनी पिछली वीडियो में, जो कि बहुत प्राउडली हर वीडियो में कहता है कि मैं नेचुरल हूँ, पूरे साल में ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हूँ, कभी आप मेरी ब्लड टेस्ट कराओ, ओके रिपोर्ट आपको मिलेंगी, ईयर राउंड कभी भी कोई भी ब्लड टेस्ट करवा लो। वीडियो मैं खुद भी बना देता हूँ ब्लड टेस्ट के साथ, यही सेम ब्लड टेस्ट मैं दोबारा करवाऊंगा, इसमें और कोई ब्लड टेस्ट भी ऐड करने तो मैं वो भी ऐड कर। और यही हाल देखिए सिंघा का भी है, जो कि कैमरे पे अपने आपको बहुत प्राउडली नेचुरल बताते हैं, बट शायद ही उनसे ज्यादा स्टेरॉयड यूज पूरे फिटनेस इंडस्ट्री में आज की तारीख में कोई कर रहा होगा। और इसका लाइव प्रूफ आप उनके चैनल पे जाके खुद देख सकते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने वीडियो डाली अभिषेक यादव के साथ। अभिषेक यादव को पता होगा, एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, प्रो बॉडी बिल्डर है, शेर क्लासिक के विनर रह चुके हैं और ऑब्वियसली हैवी स्टेरॉयड यूजर है, वो कैमरे पे एडमिट कर चुके हैं। बट उस वर्कआउट वीडियो में आप नोटिस करेंगे कि शेर क्लासिक विनर प्रो बॉडी बिल्डर अभिषेक यादव, जो कि एक स्टेरॉयड यूजर है, उनकी बॉडी में और एक सेल्फ प्रोक्लेम नेचुरल सिंघा की बॉडी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आप खुद बताइए, क्या एक हैवी स्टेरॉयड यूजर की बॉडी, जो एक शेर क्लासिक विनर भी रह चुका है, उसकी बॉडी और एक नेचुरल पावर लिफ्टर की बॉडी सेम हो सकती है? अगर ऐसा है तो भाई या तो अभिषेक यादव को पता नहीं कि वो प्रो कैसे बन गया, स्टेरॉयड यूज़ करने आते भाई को, या सिंघा पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खाता है जिसमें हो सकता है स्टेरॉयड हो, इसलिए स्टेरॉयड यूजर जैसी बॉडी होगी है भाई की नेचुरली। और इसी तरह सिंघा जी ने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी राजवीर फिटनेस सीरीज के साथ, जो कि अगेन कैमरे पे एडमिट कर चुके हैं कि वो एक हैवी स्टेरॉयड यूजर है। बट इंटरेस्टिंगली उस वीडियो में आप नोटिस करेंगे कि जो बंदा अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम नेचुरल बताता है सिंघा, वो साइज में राजवीर फिटनेस सीरीज से कई गुना बड़ा दिख रहा है। और देखिए ये बात सबको पता है कि कोई भी नेचुरल लिफ्टर कभी भी किसी इनहैंस्ड प्रो बॉडी बिल्डर के साथ ना ही साइज में ना ही स्ट्रेंथ में कम्पीट कर सकता है। बट सिंघा जी हो सकता है दुनिया के ऐसे पहले पावर लिफ्टर होंगे जो नेचुरली बिना किसी स्टेरॉयड यूज की प्रो बॉडी बिल्डर के साथ साइज में कम्पीट कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें उनकी बॉडी कंपोजिशन की, तो 2023 में उनका बॉडी वेट था 104 किलो और अब है 93 kg, मतलब 11 किलो पे अपना बॉडी वेट कम किया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है स्पेशली एज एन एडवांस लिफ्टर। और नेचुरली जब आप इतना ज़्यादा बॉडी वेट लूज करते हैं तो आपका मसल लॉस भी होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ लॉस भी होता है। बट इस केस में सिंघा ने अपना फैट लॉस करने के साथ साइमल्टेनियसली मसल गेन भी कर लिया है। ये उनकी भाई 104 किलो वाली बॉडी है, ये 93 केजीज वाली बॉडी है, साफ दिख रहा है मसल गेन कर लिया है। और इसके अलावा अगर हम की स्ट्रेंथ की बात करें, 250 किलो उनका बेस्ट स्क्वाट था कुछ साल पहले, जब उनका बॉडी वेट अराउंड 100 किलो था, 100 किलो बॉडी वेट पे 250 किलो के साथ वो एक रैप कर पाते थे। बट अब 93 केजीज बॉडी वेट के साथ, उसी वेट 250 किलो के साथ वो 3 रैप कर पाते हैं, मतलब 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज। तो 250 केजी 2 साल पहले मेरा बेस्ट था, अभी 250 केजी के 3 रैप करेंगे। और हालांकि भाई सुनने में 2 रैप बहुत कम लगते हैं, बट जब आप ये कंसीडर करें कि उन्होंने 10 रैप मैक्स में नहीं 1 रैप मैक्स में 2 रैप ऐड करे हैं, 10 रैप मैक्स में अगर आप 2 रैप ऐड करते हैं वो होता है 20% परफॉर्मेंस इंक्रीज, बट जब 1 रैप मैक्स में 2 रैप ऐड करते हैं वो होता है 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज। और ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है भाई कि बंदे ने ये 200% स्ट्रेंथ इंक्रीज 10 किलो कम बॉडी वेट के साथ अचीव किया है,
तो अब सोचिए भाई, बंदा कितने बड़े लेवल पे स्टेरॉयड यूज कर रहा होगा, अब्यूज कर रहा होगा। नेचुरल होना तो दूर की बात है भाई, इवन माइल्ड स्टेरॉयड साइकिल के साथ आप इतने कम बॉडी वेट पे इतनी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं कर सकते। इस केस में तो देखिए, मैं खुद गारंटी से कह सकता हूँ कि बंदा पिछले 1-1.5 साल से बहुत हैवी स्टेरॉयड साइकिल चला रहा है, स्टेरॉयड को अब्यूज़ कर रहा है, जिस वजह से वो इतने कम बॉडी वेट के साथ भी इतनी ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर पा रहा है। और इवन अगर हम बात करें 1 रैप मैक्स स्क्वाट की, उन्होंने खुद का वीडियो में कि पहले उनसे 250 किलो मुश्किल से लगता था, बट नाउ विद 10 kgs लेस बॉडी वेट ही स्क्वाटिंग क्लोज टू 300 kgs। मतलब अपना बॉडी वेट 10 किलो कम करने के साथ बंदे ने अपनी स्क्वाट नंबर में 50 किलो ऐड कर लिए। बॉडी वेट 10 किलो कम, स्ट्रेंथ 50 किलो इंक्रीज। और बंदा फिर कहता है, यकीन करो भाई, मैंने ये चीज नेचुरली अचीव करी है। इसके अलावा भाई सिंघा ने लिखा हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे कि उनकी रैंक पावर लिफ्टिंग में एशिया में 5th पे है। अब 5th छोड़ो भाई, मान लो उनकी रैंक अगर 10th भी होती ना नेचुरली, तो वो जरा सा भी स्टेरॉयड यूज करते तो सीधा 10th से उनकी रैंक 1st पे जाती। इतना ज्यादा इफेक्ट होता है भाई स्टेरॉयड का, स्पेशली स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग में। अगर कोई बंदा 10वां भी आ रहा है ना नेचुरली, तो स्टेरॉयड लेके वो सीधा 1st पे जाता विदाउट एनी कंपटीशन। और देखिए सिंघा इतना तो बेवकूफ है नहीं कि उसे एशिया की चैंपियनशिप मिल रही है हाथ में जरा सी डोज लेने से और वो उसे छोड़ दे। पर सच्चाई ये है भाई, एशिया में या इवन इंडिया में जो लोग टॉप 10 में है पावर लिफ्टिंग में, वो सारे ऑलरेडी हैवी स्टेरॉयड यूज कर रहे हैं, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। अगर उनमें से एक भी बंदा नेचुरली वहां तक पहुंचता, तो जरा सा स्टेरॉयड डोज लेने के बाद वो सीधा वर्ल्ड लेवल पे जाके कम्पीट करता, वो एशिया या इंडिया में नहीं अटका रहता। और देखिए अगर हम उनकी इंस्टाग्राम की रैंक की बात करें, उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे 5th in Asia, और इसके साथ कोई लिफ्ट नहीं लिखी है, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट या कोई कॉम्पिटिशन का नाम नहीं लिखा है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये ओवरऑल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, एशिया के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि इनका 5th नंबर पे रिकॉर्ड है एशिया में। तो चलिए भाई एक बार ये चीज़ भी फैक्ट चेक कर लेते हैं कि क्या उनका सच में रिकॉर्ड एशिया में 5th नंबर पे है। देखिए अगर आप IPF की वेबसाइट पे जाएं, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, जो कि सबसे बड़ी पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है पूरी दुनिया की, जिसमें सिंघा जी भी कम्पीट करते हैं, लास्ट ईयर उन्होंने 104 किलो 105 किलो की कैटेगरी में कम्पीट किया था। तो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके रिकॉर्ड देखिए एशिया में किसका है 105 किलो की कैटेगरी में, तो वो है भाई क्यूबम्बेव जलीम, बंदा है कजाकिस्तान का, जिसने ये रिकॉर्ड 104 किलो 65 ग्राम बॉडी वेट पे बनाया था, और उसका टोटल था 1037.5। और इंटरेस्टिंगली इस वेबसाइट पे आप बाय लिफ्टर भी सर्च कर सकते हैं कि एक लिफ्टर का कितना मैक्सिमम रिकॉर्ड है। तो इसमें अगर आप नाम डालेंगे सौरभ कुमार सिंह का, तो उनका रिकॉर्ड आता है, उनका जो टोटल आता है वो आता है 765, जो उन्होंने पावर लिफ्टिंग लास्ट ईयर की पावर लिफ्टिंग मीट में अचीव किया था। तो एक बार डिफरेंस देखिए भाई, 1037 है एशिया का रिकॉर्ड, सिंघा का टोटल है 765, दोनों में भाई 270 किलो का डिफरेंस है, 270 किलो। और हमें ये बात पता है कि भाई हर 2-2 किलो में रिकॉर्ड चेंज होता है, तो ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि 765 kg जो सिंघा का रिकॉर्ड है वो टॉप 100 में भी कहीं स्टैंड नहीं करता। टॉप 5 तो दूर की बात है, टॉप 10 तो दूर की बात है भाई, टॉप 100 रिकॉर्ड्स में भी सिंघा का जो टोटल है 765 वो कहीं स्टैंड नहीं करता 105 किलो में। इसलिए अब उन्होंने 93 kgs में कम्पीट करना स्टार्ट किया, उन्होंने वेट कटिंग करी है पिछले साल से। तो बेसिकली एशिया में 5th रैंक होने की बात जो उन्होंने लिखी हुई है अपने इंस्टाग्राम पे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स को भूतिया बनाने के लिए लिखी हुई है। सच्चाई मैंने आपको समझा दी है। और अगर हम इनकी बाकी इंस्टाग्राम की रील चुरा के भी देखेंगे ना भाई, हर रील में बंदा अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बना रहा है, गरीब होने की, मिडिल क्लास होने की नौटंकी कर रहा है। जैसे इस रील में कैप्शन डाला हुआ है, लिविंग द मिडिल क्लास ड्रीम, न्यू बाइक डिलीवरी। जैसे बाइक तो भाई ने देखी नहीं है कभी जिंदगी में, एवरी मिडिल क्लास का ड्रीम फॉर दी स्मॉल मूवमेंट। साड़ी उठाई है भाई ने अपनी मम्मी के लिए, और कह रहे बहुत बड़ी मूवमेंट है अपनी माँ को साड़ी गिफ्ट करना मेरे लिए। एवरी मिडिल क्लास चाइल्ड ड्रीम टू बिल्ड हिज ओन हाउस, मतलब घर भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, और साड़ी भी नहीं है बचपन से। तो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक रील्स में गरीबी दिखा रखी है, अपने आप को मिडिल क्लास बता रखा है। पर एक बार सच्चाई पे नजर मारते हैं भाई, देखते हैं कि क्या बंदा सच में गरीब है या इंस्टाग्राम वाला गरीब है। थर्ड सेमेस्टर में ही मैंने बोला था अपने पापा को कॉलेज छोड़ना है, बट उन्होंने नहीं छोड़ने दिया, एंड अराउंड 20 लाख रुपये फीस वेस्ट हुई है। 20 नहीं है, 30 लाख रुपये है। हिंदुस्तान के दुनिया का सबसे अमीर देश ना होता। और वैसे भाई ने ग्रेजुएशन करी है UPES देहरादून से, जो कि इंडिया के सबसे महंगे कॉलेज में से एक है। इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद बंदा नौटंकी करता है इंस्टाग्राम पे आके कि मेरी माँ की कंगन गिरवी है,
मैं अपनी माँ के गगन गिरवी रख के पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ को पहली साड़ी दिला रहा हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरी माँ के गगन गिरवी है लाला के पास, लाला से छुड़वाने मुझे अपनी माँ के गगन। अब भाई जो बंदा 30 लाख की कॉलेज फीस दे सकता है तो क्या वो बंदा 3,000 के सप्लीमेंट नहीं खरीद सकता? मतलब फालतू की नौटंकी कर दी है भाई, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बहुत बढ़िया है, बट ये गरीबी क्यों दिखा रहे हो भाई जबरदस्ती, जब तुम गरीब हो ही नहीं, जबरदस्ती गरीबी दिखा रहे हो, सप्लीमेंट के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, बाइक के पैसे नहीं है। नहीं यार, मैं हार नहीं सकता, मेरी मम्मी से वादा किया मैं सब ठीक कर दूंगा, सब कुछ। क्या वादा किया भाई कि आपके गिरवी कंगन मैं दिलवाऊंगा आपको लाला से? मतलब जबरदस्ती अपनी माँ को तुम्हें गरीब दिखाना है इंस्टाग्राम पे कुछ व्यूज लेने के लिए, जिस माँ ने तुम्हें 30 लाख रुपए दिए कॉलेज फीस के, 30 साल तक तुम्हें खाने पीने का खर्चा दिया, उसी माँ को तुम गरीब दिखा रहे हो इंस्टाग्राम पे कुछ व्यूज के लिए, इंस्टाग्राम पे भीख मांगने के लिए। ये भीख मांगने का तरीका भाई थोड़ा कैजुअल है, कब तक अपने आप को गरीब दिखा के तुम भीख मांगते रहोगे इंस्टाग्राम पे? कुछ नया ट्राई करो भाई, आजकल क्या है लफड़ों का कंट्रोवर्सी का जमाना चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा करो तुम भी लफड़ा करो रजा लाल से, उसे गालियां दो इंस्टाग्राम पे लाइव पे आके, और कहो कि भाई ये मेरा जिम है, जब मन करे आ जा, हिसाब कर लेंगे तेरा, और जैसे ही वो है आपके जिम में फटाफट भाग जाओ जंगल में, जहां मिलना है बता, देहरादून में जब रहूंगा तो आ जा, wherever you want and you want to fight लोड़े का डर नहीं है। अजय दलाल मेरे जिम आ चुका है 20 लड़के लेके, ये पीछे गाड़ी फोड़ दी, किधर किधर जाऊं, गाड़ी किधर जाऊं, जंगल में, चल जंगल में जा। छुप जाओ। और देखिए एक चीज़ ऐड कर दूँ भाई कि रजत दलाल जैसे इन्फ्लुएंसर्स को ना ही हम सपोर्ट करते हैं ना ही कभी करेंगे, बट एक चीज़ ऐड करनी ज़रूरी है कि सिंघा जैसे फेक इन्फ्लुएंसर्स को अगर किसी ने सबसे पहले एक्सपोज किया है तो वो रजत दलाल ही है। ये समझ नहीं आया कि बंदा सर पे अपना फर्ज क्यों मारा था बार बार, अब हो सकता है कोई नया तरीका हो गरीबी दिखाने का। बट एक अच्छी बात होगी इस वीडियो में कि माँ के कंगन जो गिरवी थे लाला के पास वो वापस आ गए। अब इसी हैप्पी एंडिंग में दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, नो हेट टू सिंघा, हमने देखी उनकी फेक नेटी स्टेटस को, फ्रॉड नेटी स्टेटस को एक्सपोज किया इस वीडियो में, इसके अलावा देखिए मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है उनसे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप किसी फ्रॉड नेटी को चाहते हैं कि मैं एक्सपोज करूं अपनी वीडियो में तो मेक श्योर भाई उसे आप कमेंट करें कमेंट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।